जज्बात बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जज्बात के बिना कोई भी रिश्ता नहीं चलता, जज्बात के साथ ज़िंदगी नहीं चलती। और इस शो में आके बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम बाद ऐसे टाइम पास मस्ती की है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। राजीव से बहुत टाइम बाद मिले तो बहुत मज़ा आया। एंड आई होप आप लोगों को देखने में भी मज़ा आया, आई एम श्योर रहेगा। अच्छा राजीव ने कितना रिसर्च किया था देखा जाए तो काफ़ी पोल्स खुली है इस सेट पे, और आप लोगों ने कितनी पोल खुली है? नहीं, बड़े जासूस निकले वो तो, और मैं एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि शो ने किस हद तक होमवर्क किया था। एंड मैं इस बात से भी खुश हूँ कि वो सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे, और उनको बहुत इज्जत से पूछे। मैं वही बोल रहा था कि उतना ही पूछा जितने पूछे जाने चाहिए। मैंने यही तो कहा कि जो सवाल पूछे बड़े इज्जत से पूछे, बड़े सलीके से पूछे, किसी चीज़ का मजाक नहीं बन गया। जो चीज़ लोगों को जाननी चाहिए थी एट द राइट प्लेटफॉर्म बहुत ही सलीके से पूछा गया। हमने दिव्यांका त्रिपाठी वाला एपिसोड देखा नहीं है तो हम इसलिए कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, पर वो मेरे लिए मेरी मदर वाला एक टॉपिक आया था जिसकी जो डिफिकल्ट है, बट यू नो कुछ इमोशंस अपने लिए होती हैं। मेरे घर का नाम है मुन्ना, और वो इसलिए है क्योंकि मैं बचपन में बड़े लड़कियों जैसी रहती थी, छोटे छोटे बाल थे मेरे और टी शर्ट्स पहनती थी और शॉर्ट्स पहनती थी और दिन भर धूप में खेलती थी। मुन्ना, तो मुझे घर में सब मुन्ना बुलाते हैं। मुन्ना। अच्छा देखा जाए तो नॉर्मली ब्रेकअप्स के बाद में लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, आप दोनों की दोस्ती की देखा जाए तो मिसाल दी जाएगी, इसके पीछे किसका क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे से सच्चाई सच्चाई से बोला और एक दूसरे की बात की इज्जत रखी और आज तक रखते हैं। अगर कभी झगड़ा भी होता है तो हम जो होता है आज भी झगड़ा होता है तो हम बोल देते हैं कि देखो ये बात तुम मुझसे मत कहो, तुम्हें मालूम है झगड़ा हो जाए। तो वो हम एक दूसरे को इतने साल से जो जानते हैं हम उस बात को का फ़ायदा नहीं उठाते, हम उस बात की इज्जत रखते हैं, और यही हर रिश्ते में इंपॉर्टेंट होता है। आप सच्चाई रखिए और इज्जत रखिए, सब ठीक रहेगा। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, कभी भी वो लेवल इवन लड़ाई झगड़े में वो किसी भी तरह का हो वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इज्जत चली जाती है तो फिर रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। और ये भी बड़े आप जनाब वाले हैं, मैं भी बड़ी तमीज़दार हूँ, तो हमारे झगड़े अभी भी होते हैं। ये बड़ी तमीज़दार है मोस्टली, जब तक मुझे गुस्सा नहीं आता है ड्राइव करते वक्त, बट अदरवाइज दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। अच्छा मैरिज के पहले लाइफ अच्छी होती है कि मैरिज के बाद की लाइफ? दोनों लाइफ उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी आप बनाते हैं। एग्जैक्टली, सत्य वचन। अच्छा हितिशा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हितिशा, ही इज़ वेरी लकी टू हैव यू एंड सो आर यू, बट ही इज़ रियली लकी टू हैव यू। आप उसे जिस तरह से समझते हो इसीलिए मेरे दोस्त के चेहरे पर इतनी मुस्कान। आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हो, मैं पहले बोलूँगी वरना मेरी सारी चीज़ें बोल दोगे। आप बोलो पहले। आप हमें हमेशा बहुत सपोर्ट करते हो, हमेशा हर प्रोजेक्ट में एनकरेज करते हो, वॉच करते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो और सीरियस काम करते हो, तो ये बहुत मज़ेदार है, आपको देखना चाहिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे सोशल दायरे हम लोगों ने बनाए हुए हैं समाज में जो हमारे दिमाग में वो लाइंस बन जाती हैं, तो हमें लगता है ऐसा नहीं हो सकता। ब्रेकअप के बाद बात नहीं करते, ब्रेकअप के बाद दुश्मनी कर लेते हैं, ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड की बुराई करते हैं पूरी दुनिया को, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जिससे आपने प्यार किया है, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, कोई वर्क का कॉलीग हो, जिसके साथ भी आपकी अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट की इज्जत रखिए और एक दूसरे के साथ एक छोटी सी दोस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कभी आपने उसको अपनी ज़िंदगी के इतने करीब रखा वो उस लायक होगा तभी ना। तो बाकी जो चीज़ें मनमुटाव हो जाएं उनको साइड पे रखिए और उस दोस्ती को साइड पे रखिए, दोस्ती सबसे इम्पॉर्टेंट।